तो हम बात कर रहे थे पेस्ट स्पेशल की, जिसके अंदर डेटा में मैंने आपको बताया कि मैंने एक फॉर्मूला यूज किया है इसके अंदर, ठीक है जी। नंबर फॉर्मेट है, डेटा फॉर्मेट। अब मैं क्या करता हूं, मुझे कॉपी करता हूं इसको और यहां जाके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाता हूं। देखिए, सही ऑल जब हम यूज करते हैं, जैसे नॉर्मल कॉपी पेस्ट, सब कुछ पेस्ट होता है, ठीक है जी। अब पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि ये आपको पार्ट्स में तोड़ देता है चीज को। जैसे आपको सिर्फ फॉर्मूला करना है तो फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू करना है वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, तो ऑल और फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, वैल्यूज को करते हैं। वैल्यूज मैंने किया, बट इसमें ये एक प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं कि जो मेरा डेट का फॉर्मेट है, जहां डेट फॉर्मेट मैंने डाला था, वो डेट फॉर्मेट बिगड़ चुका है, ठीक है जी। बिल्कुल यहां से फॉर्मूला तो था, ठीक है, वैल्यू आ गई मेरी, पर यहां डबल डेसिमल में था, यहां सिंगल डेसिमल में आ गया, ठीक है जी। अब मुझे ऐसा करना और मेरा फॉर्मेट बिगड़ जाए तो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम की बात है। तो इसकी जगह पे हमारे पास अल्टरनेट है। ये जो डेसिमल पोजीशन होती है या डेट के कोई भी फॉर्मेट होते हैं, ये एक्चुअली होती है आपकी नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है जी। सही ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग से अलग होती है। नॉर्मल फॉर्मेटिंग में जिसे हम सेल में कलर होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब होता है। इसके अलावा जो आप ये नंबर का टैब देख रहे हैं ना, इसे नंबर फॉर्मेटिंग भी इसीलिए कहते हैं, ये नंबर का टैब है, इसमें जी आप क्लिक करें, यहाँ पे नंबर का टैब है, ये सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है इसको नंबर फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है जी। इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है अपनी, इसको हम अपनी तीसरी क्लास में कवर करेंगे नंबर फॉर्मेट्स को। बट मैं दिखा रहा हूं कि पेस्ट स्पेशल में अगर आपके फॉर्मेट्स नहीं आ रहे और आपको वैल्यूज करना है, तो इस वैल्यूज की जगह आप ये वाला वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, ठीक है। इसको यूज करेंगे तो आपकी डेट प्रॉपर फॉर्मेट में, देख रहे हैं कि उसी फॉर्मेट में है, और नंबर भी प्रॉपर फॉर्मेट में है, जबकि फॉर्मूला नहीं है, ठीक है जी। सही एक दिक्कत मेरे को ये आई इसमें, कॉपी पेस्ट करने में मोस्टली सबके साथ आती है कि जब हम डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं तो डेटा तो कॉपी पेस्ट हो जाता है, पर ये जो ऊपर की कॉलम सेटिंग होती है ये डिस्टर्ब करती है, ठीक है जी। हमें बार बार इसको जाके सही करना होता है, ठीक है जी। जी तो इसके लिए क्या ऑप्शन है आपका, पेस्ट स्पेशल में ही हमने डेटा कॉपी रहने दिया, कोई बात नहीं। पेस्ट स्पेशल में इसका भी ऑप्शन है कॉलम विड्थ का। तो जब आप डेटा कर रहे हैं तो कॉलम विड्थ भी अलग से मतलब उसी के दौरान कर सकते हैं, ठीक है जी। डेटा पेस्ट कर दिया एक बार, फिर कॉलम विड्थ भी पेस्ट कर, छोटे डेटा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हाथ से भी कर लेते, और जब बड़ा डेटा हो, 40-50 कॉलम हो, तो हर एक कॉलम को सेट करना वो बड़ी अच्छी बात नहीं होती है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसमें हम अपना टाइम सेविंग के लिए ये ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन बता, तो फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट भी सेम है। फॉर्मूला और वैल्यूज में क्या होता है, वैल्यूज में आपकी जो ऊपर दिख रहा होता है वो वैल्यूज आती है, फॉर्मूला में जो आपका पीछे फॉर्मूला लगा होता है वो आता है। नॉर्मली ज्यादातर केसों में, यहाँ केसेस में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं मिलता है, ठीक है जी। कॉलम विड्थ कर सकते हैं, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, सब कुछ करेगा बॉर्डर को छोड़ के, हाँ, बट इसके अंदर सही कॉलम विड्थ इंक्लूडेड नहीं है, वो स्पेशल फीचर है, ठीक है जी। फॉर्मूला का फॉर्मूला और बॉर्डर नहीं दिया आपके साथ, ठीक है जी। एक और ऑप्शन इसमें होता है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, हालांकि इन थीम्स का उपयोग हम इसमें नहीं करते एक्सेल में, क्योंकि थीम्स का यूज करते हैं हम मोस्टली पावर पॉइंट, ठीक है जी। एक्सेल के लिए तो आपने किसी को थीम बनाते देखा नहीं होगा, ठीक है जी। तो थीम बिल्कुल को लेकर कभी कॉपी पेस्ट करना हो तो ऑल यूजिंग सोर्स थीम कर सकते हैं, हालांकि इसका कोई यूज नहीं करता। नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे मैंने पेस्ट एज वैल्यूज किया, ठीक है जी, इसी तरह से आप फॉर्मेट्स भी कर सकते हैं पूरे पूरे। मान लीजिए नंबर फॉर्मेट नहीं आए इसमें, नंबर फॉर्मेट पहले मैं क्लियर कर देता हूँ इधर, तो नंबर फॉर्मेट वैल्यूज कुछ इस तरह से आएगा। अब इसमें क्या है कि आप नंबर फॉर्मेट्स के साथ इसकी कलर कोडिंग भी लाना चाहते हैं, कि कलर जो हो, बोल्ड, इटैलिक हो, फॉन्ट हो, वो सब भी आना चाहिए, तो फॉर्मेट्स आपका अलग से, ठीक है। फॉर्मेट्स में सारे फॉर्मेट इंक्लूडेड नंबर फॉर्मेट होता है, ठीक है जी। दूसरी ये चीज, जब आप फॉर्मेट्स वाली ऑप्शन ऑप्शन यूज करेंगे तो हाँ, इसमें डेटा प्लस फॉर्मेट दोनों कॉपी होंगे। नहीं सर, मैं फॉर्मेट्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, फॉर्मेट्स, ओके, तो फॉर्मेट आएगा आपका।
डेटा मैंने पहले से कर रखा था इसलिए लिखा। ओके ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है सर। दूसरी चीज मान लीजिए आप कमेंट्स का यूज करते हैं डेटा में अपने, बहुत ज्यादा कमेंट्स का यूज करते हैं, कई कई लंबी कमेंट्स का यूज करते हैं। अब कमेंट्स को आपको पता है कि कमेंट्स को एडिट करना मुश्किल है, इंसर्ट करना मुश्किल है, और वैसे ही कमेंट और जगह बनाने हैं तो और भी पंगा, ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि आपने एक कमेंट इसके लिए दे दिया, वही किसी और के लिए देना चाह रहे हैं, तो कमेंट्स का एडिटिंग प्रोसीजर थोड़ा सा, एडिट में जाएंगे फिर यहाँ से कॉपी करेंगे फिर अगले में जाएंगे इंसर्ट कमेंट करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको आप सिंपल कॉपी कर दीजिए और जहां पे आपको कमेंट पेस्ट करना है वहां चले जाइए, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं, या फिर होम टैब में आपका ये भी बटन है, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है और पेस्ट स्पेशल यहाँ पे भी, तो यहाँ से आप कमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ कमेंट्स करके इंडिविजुअल कमेंट्स को कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके कमेंट्स को कर सकते हैं, और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, एक ड्रॉप डाउन फिल्टर की तरह लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, ये क्या चीज होती है, डेटा वैलिडेशन कहते हैं इसको, और इसको वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि इसके अलावा और कुछ भी ना पड़े, इस लिस्ट के अलावा और कोई वैल्यू आप इसमें डाल नहीं सकते, इसको हम डिटेल में बताएंगे, इसका एक क्लास का पूरा टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। तो इसी तरह की रिस्ट्रिक्शन आप किसी और सेल्स में लगाना चाहते हैं तो भी आपका पेस्ट स्पेशल काम आता है, आप कॉपी कीजिए और मान लीजिए यहाँ आप पूरे में अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लिया, पेस्ट स्पेशल में गया, वैलिडेशन, वैलिडेशन को पेस्ट कर सकते, तो हर एक में आप देखेंगे ये लिस्ट आ चुकी है और आप इसमें इंडिविजुअली कोई वैल्यू ऐसे ही एंटर नहीं कर सकते, ठीक है, वैलिडेशन अलग से पेस्ट कर सकते। सही। अब थोड़ा सा एक छोटा सा और डाटा देखते हैं और इसमें ये देखते हैं कि पीएचटी स्पेशल यहाँ क्या काम करता है। मान लीजिए आपके पास ऐसा ही एक डेटा है, सेल्स का डेटा है, जो आपने मैन्युअली किसी रिपोर्ट से बनाया है या आपके पास कूपन्स पड़े हैं उनसे फीड किया, आपको एक्सीडेंटली और कूपन मिल जाते हैं तो आपको पता पड़ता है कि अरे यार इसमें 12 और बढ़ने, इसमें 32 और बढ़ने, इसमें 41 और बढ़ने या माइनस होने, इस तरह से कोई आपका साथ का कलीग आपको बना के दे देता है। अब आपको प्लस करना है इसके अंदर, इनमें जोड़ने, तो क्या कर सकते हैं, या तो बहुत से लोग क्या करते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं, इसके लिए इक्वल टू लगा के ये सिलेक्ट किया, प्लस इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर ड्रैग किया इसको, फिर यहां से पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया, ठीक है जी, यही करते हैं मोस्टली लोग। इसके अलावा कोई तरीका पता है आपको? नहीं, यही 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 हो सकता है एग्जैक्टली। और जब आपको पेस्ट करना ही है आप इसको डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, तो ये तो था सर आपका ऊपर का जो सेक्शन था वो था पेस्टिंग के लिए, पर इसके अंदर ऑपरेशन का टैब है जिसके अंदर आप कुछ करवा भी सकते हैं, कैलकुलेशन पे भी वर्क करता है। बात थी एडिशन की, तो मैंने ऐड को क्लिक किया, जो मेरा कॉपीड डाटा है मेरे सिलेक्टेड डाटा में ऐड हो जाएगा, देखिए 52 का मेरा बन जाएगा 64, ब्लैंक जाए तो वो जीरो ट्रीट करता है, जीरो जीरो की तरह, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, ठीक है जी। सही, आपके पास तरीका है, आपके पास अगर डाटा अच्छा खासा है तो आपका काम चुटकियों में हो गया, ठीक है जी। तो इसमें फॉर्मूला लगा के और इसमें वैसे भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर प्रॉब्लम जब आती जब मैं बात करता रिप्लेसमेंट, मान लीजिए अब मैं कहता हूं कि इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है जी, जहां 64 है वहां एक्चुअल वैल्यू उसने लिख दी कि भाई साहब एक्चुअल वैल्यू इतनी है, उसने कहा कैलकुलेशन आप खुद करिए मैं एक्चुअल लिख देता हूं इनके सामने। अब एक्चुअल वैल्यूज इनकी आ गई मेरे सामने, अब बात करनी है मुझे कि जहां ये वैल्यूज है वहां ये वाली आ जानी चाहिए, जहां नहीं है वहां पहले वाली रहनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, अगर आप फॉर्मूला में अच्छे हैं तो एक इफ का फॉर्मूला लगा देंगे कि अगर ये इक्वल टू ब्लैंक है
तो क्या करें, ये वाली वैल्यू ले लें, अदरवाइज अदरवाइज ये वाली वैल्यू ले लें, ये वाली, हाँ, तो इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है जी, इस तरीके से करेंगे। पर इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला में लॉजिकली अच्छा होना चाहिए। पर सिंपल कंडीशन में कैसे कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर सकता हमने, क्योंकि अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूं तो यहाँ के जो ब्लैंक्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। कोई ऐसा मेथड जिससे मैं ब्लैंक स्किप कर दूं, मतलब जहां वैल्यू है खाली वही पेस्ट हो, ठीक है जी, तो ऐसा मेथड अवेलेबल है अपने पास पेस्ट स्पेशल में, स्किप ब्लैंक्स का, ठीक है जी। जब आप इसको ओके करके क्लिक करके ओके करते हैं तो यहाँ जिस सेल में वैल्यू होती है कॉपी डेटा में आपकी, खाली वही जाता है, जहां ब्लैंक है वो नहीं जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल सही काम हो गया ये। और आगे देखते हैं, मान लीजिए आपको निकालनी है परसेंटेज सेल्स है, तो टारगेट भी होता है अपने पास, टारगेट है, मान लीजिए 200 का टारगेट कर लिया मैंने, ठीक है, ये सबका 200 का टारगेट है, इसमें मुझे अचीवमेंट परसेंटेज निकालनी, क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा एक आसान तरीका, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे यहाँ से 200 कॉपी किया, कैलकुलेशन तो हम थोड़ी बहुत कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया पूरे को, पेस्ट स्पेशल में गया और ऑपरेशन से मैंने डिवाइड ही तो करना होता है, उसमें डिवाइड कर दिया और यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक कर दिया तो मेरी परसेंटेज निकल आई, ठीक है जी। हाँ, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, एक ही बार करना था, मैंने कर दिया, ठीक है जी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या होता है कि टारगेट भी अलग अलग होते हैं, बिल्कुल, तो इस मेथड में भी आपका चलेगा। अब इसमें क्या है, मैं पूरे को सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके पूरे को यहाँ पे जब डिवाइड करूंगा तो इसमें क्या होगा, ये अपने सामने सामने वाली वैल्यू से डिवाइड होगा, वैल्यू समानांतर होनी चाहिए इसमें, ठीक है जी, 184 जो है इससे डिवाइड होगा, ठीक है जी। इसी तरह से इसी एग्जांपल में आगे बढ़ते हुए हमारे पास 3 दिन की सेल कर ली और 3 दिन के डिफरेंट डिफरेंट टारगेट डाल दिए, इसी तरह से 3 दिन के मैंने अचीवमेंट निकाल लिए, ठीक है जी, 3 दिन के अचीवमेंट निकाल दिए, सेम मैं वही कर रहा हूं। अब देखिए, मेरे को इसमें ये करने के लिए बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता है, यहां पे गया मैं पेस्ट स्पेशल में, डिवाइड किया और परसेंटेज, ठीक है जी। मोस्टली जब भी आप ये काम करते हैं तो ज्यादा डेटा के साथ ही करते हैं, ये सेकंड्स का काम होता है जो हमारा पेस्ट स्पेशल हमारे साथ कर देता है, ठीक है जी। जैसे सेल्स का है, इसी तरह अकाउंट्स में भी कभी कभार आता है। मान लीजिए कि आपके सामने चुनौती आई कि मैनेजमेंट मांग रही है कि यार ये इतनी सारी फिगर्स अपने समझ में नहीं आ रही, इसे पॉइंट में कर दो, करोड़ वैल्यू इन करोड़ में दिखाओ, इनकी सालाना सेल्स मैंने इस तरह से फीड कर दी, ठीक है जी। अब मुझे चाहिए कि जैसे 6 करोड़ है, 6 करोड़ 4 लाख है, तो 6.04 इस तरह से दिखाओ, तो डिवाइड वाला फीचर तो यहां भी चलता है, 1 करोड़ साइड में लिख के मैंने डिवाइड कर दिया, आ गया, बड़ी जल्दी काम हो गया यहां पे भी। पर एक प्रॉब्लम कि कई बार क्या होता है कि मुझे फॉर्मूलों के साथ काम करना पड़ता है, फॉर्मूलाज के साथ काम करना पड़ता है, और मुझे क्या करना है, इसके फॉर्मूले को ही चेंज करना है, मतलब फॉर्मूला की वैल्यू वो सिर्फ पॉइंट में दिखानी है, बाकी तो सारी ऐसी की ऐसी है, ठीक है जी। अब इस केस में मैं फंस गया, क्योंकि अब तो हर जगह हर के आगे मुझे डिवाइड बाय 1 करोड़ लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, करना पड़ेगा ना ये, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे भी ये मेथड अपना चल जाता है कि जितने भी एड वैड के मेथड है आपके फॉर्मूलों पे भी अप्लाई हो जाते हैं, अगर आप डिवाइड का वो करेंगे तो ये आप देखेंगे कि फॉर्मूले के अंदर वो पेस्ट हो चुका है आपके सेम, ठीक है जी, फॉर्मूलों के अंदर तक पेस्ट हो गया, तो आपका काम यहां भी आसान हो जाता है कंसोलिडेशन करते हैं जब, ठीक है जी। आगे देखते हैं, जिस तरह से हम, अब देखिए आपका इस तरह से डेटा है, रो वाइज है, आप इसको कॉलम वाइज करना चाहें, मतलब कॉलम वाइज है, रो वाइज करना चाहें, तो ट्रांसपोज का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, रो टू कॉलम,
इसको करके फिर दोबारा ट्रांसपोज करेंगे कॉलम टू रो, ठीक है जी। डेटा को इस हिसाब से कर सकते हैं, ट्रांसपोज का ऑप्शन होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जब डेटा को स्विच करना हो। सही। और कई बार क्या करते हैं हम, लिंक लगाते हैं कि ऐसी टेबल बनानी है जिसमें यहाँ चेंज करें तो यहाँ भी चेंज हो, ठीक है जी। तो लिंक्स में क्या करते हैं कि मोस्टली हमें हमारे पास जो अभी लिंक का जो अवेलेबल है वो क्या करते हैं, इक्वल टू लगाया, पहली वैल्यू को सिलेक्ट किया और फिर इसको ड्रैग कर लिया। अब देखिए छोटा डेटा तो मुझे पता कहाँ तक ड्रैग करना है, बड़ा डेटा है तो मेरा तो हाथ नहीं चलेगा कहाँ तक करना है। फॉर्मेट वगैरह में पेस्ट कर सकता हूँ, बट ये लिंक का क्या करूँ, लिंक में मतलब छोटा यही होता है, कॉलम ज्यादा हो आपको पता ही नहीं कितना बार बार देखना पड़ेगा इधर से। बिल्कुल। आप सीधा सा इसको भी कॉपी कीजिए, पेस्ट स्पेशल पे जाइए, यहाँ पे पेस्ट लिंक का ऑप्शन, डायरेक्ट आपकी लिंक वैल्यू आ गई वही करके, और इसमें मैं फॉर्मेट्स भी कॉपी कर देता हूँ तो मेरा काम हो गया। यहाँ देख रहा हूँ बिट की भी जरूरत है, बिट भी कर दिया मैंने, काफी सारा काम मेरी छुट्टियों में हो गया, सेकेंड्स के अंदर हो गया। अब इसका फायदा ये है कि जब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी चेंज आपको दिख जा रहा है, ठीक है जी। अब जिस तरह से हम बात कर रहे थे डैशबोर्ड के कॉन्सेप्ट की, डैशबोर्ड में क्या होता है कि हमें छोटी सी जगह पे इतनी एक ऑलमोस्ट एक ही शीट की जगह पे मैंने सारी कंपनी का डेटा दिखाना होता है, तो जगह कम होती है। और एक्सेल में फॉर्मेटिंग आपको पता ही है, ऊपर का कॉलम छोड़ेंगे तो नीचे का छोटा हो जाएगा, उसका करेंगे तो उसका छोटा। बिल्कुल। मान लीजिए आपको यही डेटा जो है इतने हिस्से में दिखाना है, पॉसिबल ही नहीं, कैसे दिखाना है? तो इसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास, आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट के बटन पर जाइए, एज पिक्चर का साइन है आपके पास, एज पिक्चर पेस्ट एज पिक्चर, ठीक है जी। अब इसमें क्या हो गया, आपका डेटा बन गया पिक्चर, छोटा बड़ा हो जा रहा है, पिक्चर तो मूव कर ही सकती है ना, किसी कॉलम को इफेक्ट कर रही, ठीक है। अगर हम यहाँ से व्यू में जाके ग्रिड लाइन हटा भी दें तो मोस्टली अनप्रिडिक्टेबल है कि ये है क्या चीज, बट इससे डैशबोर्ड का क्या लेना देना, क्योंकि डैशबोर्ड तो डायनेमिक अपडेशन देता है, ठीक है जी। बिल्कुल, है ना, अगर वो कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या है। तो इसी के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है, इस ऐसा डेटा चाहिए तो आप कॉपी करके ले जा सकते हैं पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन के, ठीक है। पर इसी ऑप्शन में आपके पास नीचे देखेंगे तो पेस्ट पिक्चर लिंक है। अब पिक्चर होने के कारण ये छोटी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है जी, और लिंक होने के कारण अगर आप इसमें कोई चेंज करते हैं तो आपको इंस्टेंट चेंजेस दिखाते हैं, ये डैशबोर्ड, ओके, ठीक है। और गारंटीड ये पिक्चर भी नहीं देखी होगी आपने कभी, क्या नहीं, ये मैंने नहीं देखी, गारंटीड, यस। और दूसरा इतना ही नहीं, लिंक में क्या होता है, ये फीचर नहीं होता, बट आप इस पेस्ट पिक्चर लिंक जब करते हैं तो जब आप इसका कलर भी चेंज करते हैं ना तो वो कलर भी चेंजिंग यहाँ दिखा देगा, ओके, ठीक है जी। तो ये था सर हमारा सेशन पेस्ट स्पेशल के ऊपर, बाकी के नेक्स्ट क्लास आप सुजीत सर से रिसीव करेंगे कल, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं स्काइप पे भेज दूंगा, ठीक है जी, लिंक, ठीक है जी, सही है, ओके सर। आई होप कि इसमें आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि जो लेवल हम करवाने वाले हैं एक्चुअली कॉपी पेस्ट। जी बिल्कुल सही है, नहीं इट्स इट ये आज का सेशन भी था, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, काफी सारी चीजें थी जो कल का पहली दफा मैंने देखा होगा, क्योंकि पहले बता दूं आपको उसको हम इसलिए नहीं कराते ना कि बहुत से लोग उसमें उबासी लेने लगते हैं, नींद मारने लग जाते हैं, तो कौन सा